स्कैनिया और शताब्दी बसों की तस्वीर दिखाने वाले उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग की हालत क्या है, उसकी एक सच्चाई मंगलवार को परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के गृह जनपद में ही दिख गई है। रेलवे क्रॉसिंग पर फंसी बस की तस्वीर बलिया के चित्तू पांडे चौराहे की है, जहां रोडवेज की एक बस को धक्का मारकर यहां से हटाया जा रहा है। कारण यह है कि बेकार हालत में चल रही पुरानी सी बस का गियर बॉक्स फंस गया, फंसा भी वहां जो कि रेलवे क्रॉसिंग पर है। अब इस बस को हटाने के लिए परिचालक एक अन्य यात्री सड़क पर उतरकर धक्का दे रहे हैं, पीछे से एक ट्रैक्टर भी धक्का मारने में जुटा है। ये तस्वीरें उसी उत्तर प्रदेश की हैं, जहां पर परिवहन विभाग का बजट अरबों रुपए में है। तस्वीरें मंगलवार को उत्तर प्रदेश की परिवहन व्यवस्था पर सवाल खड़ी करने के लिए आई हैं। बस को हटाने के लिए परिचालक और अन्य यात्री धक्का दे रहे हैं, लेकिन सवाल प्रदेश के पूरे परिवहन विभाग पर खड़ा हो रहा है। सवालों का कारण यह है कि जिस दिन परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बसों का औचक निरीक्षण किया है, उसी दिन ये तस्वीर भी सामने आई है, जहां पर एक खटारा सी बस को हटाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। बसों की हालत पर परिचालक ने कहा है कि ये बस पुरानी है, इस कारण से इसमें समस्या आई है, इससे समाधान करने के लिए मैकेनिक को बुलाया गया है, लेकिन जिन यात्रियों का समय नष्ट हुआ और जिन्हें परेशानी हुई, उनके टिकट के पैसे लौटा दिए गए हैं। कंडक्टर साहब, ये बस आप लोगों को धक्का देना पड़ा, कारण क्या हो गया? गियर फंस गया है, तो अब जरिए है इसलिए पैसा वापस कर देंगे। अच्छा, गियर फंस गया था। हाँ, यहाँ जो है जाम हो जाता है, तो डीसी पर चढ़ाना जिन ट्रांसफर कर दो ना। तो इसको कहाँ ले जाएंगे, गैरेज में? अब तो आए यहाँ से, हमारे यहाँ मैकेनिक आ रहा है, मैकेनिक आके लेके जाएंगे फिर इसको गैरेज में सही करवाएंगे। आपका नाम क्या है? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम गोपाल प्रसाद है जी। कहाँ जा रहे थे बस को लेकर? आजमगढ़ जा रहे हैं। आजमगढ़, रास्ते में खराब हो गई बलिया में? जी सर, ऐसा है कि ये सब गाड़ियाँ जो है कभी ना कुछ उसमें तो है नहीं, नई गाड़ियाँ तो है ना सर, पुरानी गाड़ियाँ हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात ये है ना, पुरानी गाड़ियाँ तो नहीं है, सरकार पुरानी है, दोबारा सरकार भी आ गई है। सर ये सरकार और किसकी है हम नहीं बता सकते, हम अपनी जानते हैं, हम अपनी ड्यूटी करते हैं। वही मेरे कहने का मतलब यही है, सरकार से मतलब नहीं, सरकार को ध्यान देना चाहिए ना कि ऐसी गाड़ियों को जनता के लिए ना दिया जाए। हमारे जो ऊपर के अधिकारी वो लोग समझे, हम लोग का काम है सर जी, हम लोग को जैसा आदेश होगा हम लोग उसका पालन करेंगे, ड्यूटी करना है। ये तो हम अपने अधिकारी के अंडर में है ना सर, ये तो सरकार के अंडर में है ना, सरकार क्या करे।